सपना, मैं तुम्हें भी मान ही गया, तुम जिसको चाहती थी उसके साथ शादी कर ली, बन गई ना सपना सरीन। तुमने ये कमाल किया कैसे, तुमने इसे ट्रैप कैसे किया, हाँ बताओ। देखो विनय, तुम गलत समझ रहे हो। तू तो मुझसे बात मत कर, तुमने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया। She's got my... तुझे कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं यार, तू बके जा रहा, सुनता ही नहीं बात। She is not my wife, this is my wife माही। विनीत, तुम्हारे जो जी में आता है तुम बोले जाते, कम से कम बोलने से पहले सोच तो लिया करो। मैं तो इनके घर में मेहमान हूँ। देखिए माही जी, I'm so sorry, I'm extremely sorry, I hope you don't mind। कोई बात नहीं, चले। हाँ। अरे वाह मिसेज अरोरा, आपकी साड़ी तो बड़ी खूबसूरत है। वो लाए मेरे लिए दिल्ली से। एम्ब्रॉयडरी भी बड़ी खूबसूरत है इसकी। उतनी भी अच्छी नहीं है। चल, पूरे चांदनी चौक में एक ही साड़ी थी, पूरे 12,500 में लाए मेरे लिए। हाँ, मेरे पास भी एक 25,000 की साड़ी है, मल्होत्रा से डिजाइन कराई थी, पर मैंने आज तक पहनी ही नहीं है वो तो। अरे बहन जी, आप चटनी लीजिए, समोसे लीजिए ना। नहीं, मेरा गला खराब हो जाता है। कुछ खाने की बात आती है, इसका गला पहले ही खराब हो जाता है। डाइटिंग जो करती रहती है ये। आज मिसेस खुराना के यहाँ कितने दिनों बाद की टी पार्टी हो रही है ना। बहुत बुरा वक्त चल रहा था ना, टलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब वाहेगुरु का शुक्र है कि सब ठीक हो गया। सोनी पुत्र, पुत्र जाके जरा वो बर्फी और गुलाब जामुन तो ले आ। आजा पुत्र, आजा, रख दे इधर। हाय कितनी गर्मी हो गई है ना। नहीं, वो गुलाब जामुन तुम वहीं रख दो, हम अपने आप लेकर खा लेंगे। जी, आप लोगों ने देखा कितना भद्दा दाग है, लेकिन ये तो पूरी जल गई थी ना, इसका मतलब इसके पूरे बदन पे इतने बड़े बड़े भद्दे दाग हैं। मिसेस खुराना, मुझे तो आपके बेटे की किस्मत पर तरस आता है। आपका बेटा कितना हैंडसम है ना, और उसके पल्ले पड़ी ऐसी बहू, पता नहीं कैसे रोज रोज बर्दाश्त करते हैं इसको। शर्त लगा लीजिए, आपका बेटा मुंह से भले ही कुछ न कहे, पर मन ही मन तो इससे नफरत करता होगा। फिर वो कहते हैं ना, शरीफ लोगों को उनकी सराफत ही मार देती है। बेचारा मन ही मन में घुट रहा होगा, लेकिन अपने मुंह से कभी वो कोई शिकायत नहीं करेगा। उसकी जगह अगर कोई और होता ना। चलो छोड़ो जी। और ये रहा मेरा त्रुटका इक्का। मुझसे ये बात क्यों छिपाई,
क्या बात? यही कि कॉलेज में तुम और सपना माही, तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ नहीं कह रही शेर, जो कुछ भी कहा है तुम्हारे दोस्त ने कहा है। अरे माही, तुम किसकी बात मान रही हो? विनय की। वो कॉलेज में भी बकवास करता था, आज भी बकवास करता है, उसकी आदत है। तुम्हें कॉलेज का तो पता ही है ना, किसी लड़की के साथ चार बातें नहीं की तो तुम कपल बन गए, तुम्हारी शादी भी हो गई। ऐसी दो बातें बना देते हैं वो लोग। मेरा और सपना का कोई अफेयर नहीं था, हम लोग दोस्त थे, हाँ उठना बैठना था साथ में, हम लोग लंच करते थे कभी कभार, लेकिन एक ही ग्रुप में थे ना। सच? तुमसे मैं कोई बात छुपाऊंगा? मैं चाय लेकर आती। ओके। मैंने माही से सच क्यों नहीं बोला? अरे बोल देना चाहिए था, अभी बोल दूं या नहीं बोलूं? नहीं, अगर बोल दिया तो अरे मुझे बहुत दुख होगा। नहीं, मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता, नहीं बोल सकता मैं उसे। गुलाब जामुन तुम वही रख दो, हम अपने आप लेकर खा लेंगे। जी, आप लोगों ने देखा कितना भद्दा दाग है? मुझे तो आपके बेटे की किस्मत पर तरस आता है। आपका बेटा कितना हैंडसम है ना, और उसके पल्ले पड़ी ऐसी बहू, पता नहीं कैसे रोज रोज बर्दाश्त करते हैं इसको। शर्त लगा लीजिए, आपका बेटा मुंह से भले ही कुछ न कहे पर मन ही मन तो इससे नफरत करता होगा। बेचारा मन ही मन में घुट रहा होगा, लेकिन अपने मुंह से कभी वो कोई शिकायत नहीं करेगा। क्या वो सोनी? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? दर्द हो रहा है? सोनी, मैं इस दर्द की बात नहीं कर रहा हूं। बुआ जी ने कुछ कहा? किसी और ने कुछ कहा? तुमने दवाइयां खाई? मुझे पता था तुम अपने मामले में इतनी लापरवाह हो कि तुमने अभी तक दवाइयां खाई नहीं होंगी। मेरे हाथों से तुम्हें दवाइयां मीठी लगती हैं, मैं अभी लाता हूं तुम्हारी। जीत, अगर ये बदन पे जो दाग है वो जिंदगी भर नहीं गए तो? क्यों नहीं जाएंगे? मैं तुम्हारा अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा, और देखना ये दाग 100% चले जाएंगे। और अगर इलाज के बाद भी नहीं गए तो क्या? नहीं गए तो नहीं गए, कुछ नहीं बदलेगा। कैसे नहीं बदलेगा जीत? मैं दिन रात सुबह शाम इन बदसूरत दागों को देखती हूँ तो खुद बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, तो तुम जिंदगी भर मुझे कैसे बर्दाश्त करोगे?
ये तो तुम्हें मेरे साथ जिंदगी भर रहने के बाद ही पता चलेगा ना सोनी, कि मैंने तुम्हें बर्दाश्त किया या मैंने तुमसे प्यार किया। सोनी, मेरे साथ भी तो बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है ना। अगर उस एक्सीडेंट की वजह से मेरे पैर पर दाग हो जाते तो, अगर मेरे हाथ पैर कट जाते तो, अगर मैं पैरालाइज हो जाता तो, अगर मैं जिंदगी भर बिस्तर पर पड़ा रहता तो क्या तुम मुझसे प्यार करना छोड़ देती? ये कैसी बातें कर रहे हो जीत? मैं तुमसे प्यार करना कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I love you. सोनी, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें बाहर लेकर चलता हूं। बाहर? पानी खत्म हो गया था, मुझसे कह देती। तुम क्यों आए? एक्चुअली पानी तो बस एक बहाना है। माही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। राहुल के स्कूल में आज जो कुछ भी हुआ उसको लेकर मैं बहुत एम्बैरेस्ड फील कर रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कैसा लग रहा होगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। कोई बात कैसे नहीं माही, आखिर तुम जब की वाइफ हो। तुम्हारे हस्बैंड के बारे में ऐसा कोई बोले तो मैं समझ सकती हूँ। ये विनय भी ना, आखिर इतना बड़ा हो गया है, अभी तक उसे अकल नहीं आई है कि कैसे बात करनी है, कब क्या कहाँ बोलना है, कुछ पता नहीं है उसे। अरे, अगर मैं शब्द के साथ खड़ी थी तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं उसकी बीवी हूँ। वो तो अलग बात है कि कॉलेज में हम सबसे हॉट कपल थे, इसका मतलब ये थोड़ी कि हमने शादी भी कर ली। तुम और शब सच में कपल थे? मैं तो कहना चाह रही थी कि हम दोनों बहुत वक्त एक साथ बिताते थे ना, बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए शायद लोगों को लगता होगा कि। लेकिन माही, इस बात को तो बहुत बहुत टाइम हो गया है और हमें कॉलेज से निकले हुए भी एक जमाना बीत गया है, और वैसे भी हम दोनों बहुत कम समय के लिए एक साथ। नहीं, वैसे भी सबसे क्या फर्क पड़ता है। वो मैं देख के आती हूँ राहुल क्या कर रहा है। बहुत दिन से फोन नहीं आया। अरे वो एक्चुअली मैं अपने प्रेजेंटेशन में बहुत बिजी थी ना, इसलिए। वो तो ठीक है, लेकिन एक आधा फोन तो किया करो। अरे हमें भी फिक्र होती
तुम्हारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे गया? सब कुछ ठीक? हाँ, और हमारे प्रोफेसर को वो इतना पसंद आया कि उन्होंने मेरे लिए एक बहुत बड़ी कंपनी में उसके प्रेजेंटेशन का इंतजाम भी कर दिया। भाई, भाई प्लीज प्रे फॉर मी, अगर अगर उन्हें मेरा काम पसंद आ गया ना, देन दे कैन हायर मी आल्सो, वोंट दैट बी ग्रेट? बहुत अच्छी खबर है, लेकिन इसमें एक खराबी है। अगर उन लोगों ने तुम्हें हायर कर लिया फिर तो तुम दिल्ली में रह जाओगी, और मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द घर आ जाओ। भाई आप तो ऐसे कह रहे हैं कि वो मुझे देखते ही हायर कर लेंगे, पहले प्रेजेंटेशन तो होने दो। अच्छा भाई, आई गॉट टू गो, पहले ही दिन ही एमडी को वेट कराया तो मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। ओके बाय, विश मी लक। अच्छा अच्छा, गुड लक गुड लक। Hi. Hi. I'm Kamya Sareen from MD Business School. I have an appointment with the MD. Sir, आज काफी busy है. You have only 5 minutes. You see? उनके कुछ खास मेहमान आने वाले हैं. आप थोड़ा वेट कीजिए. Okay. Thanks. Good evening, sir. I am Kamya Sareen. Kamya? Kamya? Kamya, wait a minute. Kamya? Kamya, meri baat suno. Kamya? Meri baat to suno, please. कहाँ जा रहा है पुत्र? मॉम, हम लोग बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। अपना ख्याल रखना पुत्र। जी मामा। हेलो। हेलो। मैंने ये जानने के लिए फोन किया है मामी जी कि हमारे प्लान का क्या हुआ, बात आगे बढ़ी कि नहीं? चेरी, मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना मामी जी, मुझे कोशिश नहीं चाहिए, I want results. जैसे भी ये सब चक्कर में आपका एक हफ्ता ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है मामी जी, आपको याद है ना? चेरी, मैंने कहा ना मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं चीत का क्या करूँ, वो तो वो बचा रहा है सोनी को। हाँ, सोनी इस वक्त अभी अभी बाहर निकली है चीत के साथ। हाँ, आई सी। चेरी, अब तू क्या सोचने लगी? मामी जी, मैं ये सोच रही हूँ कि आपसे अब अकेले तो कुछ होने वाला है नहीं, तो मुझे लगता है कि मुझे ही कुछ करना होगा। और वैसे भी मुझे अपनी प्यारी सासू माँ की हेल्प तो करनी चाहिए ना। तो क्या कह रही थी आप कि वो दोनों इस वक्त बाहर गए हैं? तो चलिए मैं उन दोनों की आउटिंग को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना लेती हूँ। चेरी, तू क्या करेगी? हाँ, क्या करेगी तू? पता नहीं, देखती हूँ क्या कर सकती हूँ, लेकिन अब कुछ ना कुछ तो करना होगा मम्मी जी।